भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। EOS-8 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। दावा है कि इससे आपदा की सटीक जानकारी मिल सकेगी। 3, 2, 1, 0 इसरो लगातार कामयाबी के पथ पर बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से स्पेस एजेंसी ने अपनी धमक दिखाई। सुबह 9:17 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV-D3 रॉकेट लॉन्च कर दिया। SSLV-D3 लॉन्च व्हीकल का और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। इस मिशन के तहत देश का नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 और एक छोटा सैटेलाइट SR-0 डेमोसेट को लॉन्च किया गया। ये दोनों सैटेलाइट पृथ्वी से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित गोलाकार कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। इसरो की SSLV-D3 रॉकेट लॉन्चिंग ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये दो सैटेलाइटों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए एक अहम मिशन है, जिससे यह बहुउद्देशीय एकल और सक्षम यूनिट बन गया है। SSLV-D3 रॉकेट की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट, 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट को सनसिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकता है। SSLV की ये तीसरी उड़ान है और भारत के छोटे सैटेलाइट लॉन्च उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस लॉन्चिंग से भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और मजबूत होगी। New module as a part of Gaganyaan mission, the satellite EOS-08 serves as a platform to carry silicon carbide ultraviolet dosimeter that will be used to monitor ultraviolet irradiance on the viewport of EOS-8 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका मकसद धरती की सतह की निगरानी करना और अहम डाटा इकट्ठा करना है। यह कृषि, वन्य जीवन की निगरानी, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसी गतिविधियों में मदद करेगा। वहीं SR-0 डेमोसेट एक छोटा सैटेलाइट है जिसे पैसेंजर सैटेलाइट के रूप में भेजा जा रहा है। इसका मकसद नए तकनीकी परीक्षण करना है। इसरो के मुताबिक EOS-8 के प्राथमिक उद्देश्यों में माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन करना और विकसित करना शामिल है। SSLV रॉकेट मिनी, माइक्रो या नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। SSLV-D3 लॉन्च व्हीकल का और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है।